लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कैसे जलाया जाए, कैसे तड़पाया जाए, आज करेंगे इसी बारे में बात। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए माय फ्रेंड, जो भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में हैं, वो लगभग सभी लोग चाहते हैं कुछ ऐसा जानना, कुछ ऐसी ट्रिक्स जानना जिसके थ्रू अपने पार्टनर को थोड़ा सा जला पाए, थोड़ा सा तड़पा पाए, क्योंकि मजा आता है प्यार में थोड़ा सा छेड़खानी करने में। अब वो आप पास में तो है नहीं कि कर पाए, इसलिए दूर होकर करना चाहते हैं, थोड़ा सा परेशान करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए तड़प उठे, कभी रो दे और फिर आप जाके गले लगा लें और बोले कि यार मैं तो मजाक कर रहा था। ये इच्छा होती है ना, आई एम श्योर होती है, बट हर एक रिश्ते पर सेम चीजें अप्लाई नहीं होती। रिश्ता किस तरीके का है, हमें उसको वैसे ही हैंडल करना पड़ता है। जो भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वो ये काम कभी ना करें, क्योंकि आप उस नाजुक रिश्ते में हैं जहां पर आपका पार्टनर आपसे बेहद दूर है। और जब लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता होता है, वहां पर क्या होता है, दो लोगों की बातें ज्यादा नहीं हो पाती, मीटिंग्स तो और भी ज्यादा कम होती हैं। और जब कभी भी किसी रिश्ते में बातें कम होती हैं, कम्युनिकेशन गैप आता है ना, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वही हो रहा है आपके साथ में, आप है अपने पार्टनर के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस में, जहां पर आपका कम्युनिकेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, मीटिंग्स तो ना के बराबर है। अगर ऐसे में आपने अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से जलाने की, तड़पाने की या छेड़ने की कोशिश की, तो फिर आपको शायद मौका नहीं मिलेगा उसको ये बताने का कि आप मजाक कर रहे थे, और इससे जो आपके बीच की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि ट्रिक्स तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन वो ट्रिक्स मजे मजे में आप अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन बाद में आपका रिश्ता टूटने का डर है। सो लॉन्ग डिस्टेंस वो नाजुक रिश्ता है जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्यार दिखाने की जरूरत होती है, ताकि आपका पार्टनर आपके ऊपर फेथ रख पाए, आप पर भरोसा कर पाए। होता क्या है, एक चीज को समझिए कि जो इंसान आपसे दूर है ना, वो हमेशा सस्पिशियस रहता है आपके बारे में, क्योंकि आजकल टाइम इस तरीके का चल रहा है। आप अगर दो बार उससे बात नहीं करेंगे ना, तो उसके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार ये इंसान मुझे भूल रहा है। आपने एक बार उसको कॉल नहीं किया, तो उसके दिमाग में आएगा कि यार इसको कोई और पसंद आ गया है, या फिर उसने कभी कॉल किया, आप बिजी जा रहे हो, आपका फोन बिजी जा रहा है, आपने उसका कॉल पिकअप नहीं किया, या और बाद में उसको कॉल भी नहीं किया, कॉल बैक नहीं किया, तो भी उसके दिमाग में आएगा कि इसने कॉल बैक नहीं किया, शायद ये किसी और को पसंद करने लगा है। ये इस तरह की छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं रिश्ते में। अब देखिए कुछ ट्रिक्स बताती हूँ तड़पाने के लिए। उसमें आप कर सकते हैं कि अपने व्हाट्सएप पे अपने किसी और फ्रेंड के साथ में, फीमेल फ्रेंड के साथ में फोटो अपलोड कर दो, ताकि आपका पार्टनर देखे और जले। आप घूमने जाओ, उसको बताओ कि आप कितना एंजॉय करके आए हो, अपने एंजॉय करने वाली पिक्स अपलोड कर दो, उसके साथ शेयर कर दो, तो वो जल जाएगा, क्योंकि पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसके बिना एंजॉय कर रहे हो। वो आपकी खुशी में आपके साथ में होना चाहता है, जो कि नहीं हो पा रहा, तो ये चीजें उसको समवेयर जेलसी फील करवाएंगी। बट इससे सिर्फ जेलसी फील नहीं होगी, इससे क्या होगा, उसको ये फील आ जाएगा कि ये मेरे बिना खुश है, ये तो मेरे बिना एंजॉय करता है, मैं नहीं हूँ, ये दूसरे लड़कों में या दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। इससे क्या होगा, रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, वो इंसान आपसे दूर हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो फीलिंग्स उसके दिमाग में आ रही हैं, ये जो नेगेटिविटी आ रही है जेलसी के साथ साथ में, ये नेगेटिव थॉट वो इंसान किसी के साथ तो शेयर करेगा जहां रहता होगा, अपने दोस्तों के साथ में, सहेलियों के साथ में। वो दोस्त क्या कहेंगे, यार लॉन्ग डिस्टेंस है ना, उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, आजकल लोग भरोसे लायक नहीं होते, उसको कोई और पसंद आ गया होगा, यही उसको सलाह दी जाएगी उसके दोस्तों के थ्रू, और ये इंसान करने लगेगा आपके ऊपर डाउट। फिर आप उसको कितना भी बताना कि यार मैं मजाक कर रहा था, मैं तो छेड़ रहा था, मैं तो फन कर रहा था, क्या वो सामने वाला इंसान जो आपसे बहुत दूर बैठा है वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप दोनों की जो भी बातें हो रही हैं वो फोन पर हो रही हैं। सामने बैठकर बात करने में और फोन पर बात करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। फोन पर आपको सिर्फ किसी की बातें सुनाई देती हैं, बट जब आप सामने होते हो तो आप खुद भी किसी इंसान को जज करते हो
कि वो कितना सच्चा है कितना झूठा है, उसकी आईज को रीड करते हो, बॉडी लैंग्वेज को देखते हो, ये तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो आप कितना भी सॉरी बोलेंगे उसको तो लगेगा झूठ बोल रहा है, दिखावा कर रहा है। तो अगर उसने आपको माफ भी कर लिया तो भी वो जिंदगी भर डाउट करता रहेगा, तो क्या फायदा, कुछ यूज है अपने पार्टनर को जलाने का? और जब आपका पार्टनर आपके साथ में हो, आपके साथ में रहने लग जाए, फिर उसको कैसे छेड़ना है, कैसे जलाना है, कैसे कर पाना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो वीडियो आप देखिए, तब ये वीडियो आपके काम आने वाली है। बट अभी लॉन्ग डिस्टेंस में ये काम ना करें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पे होगी। अब विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।